सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक व्यक्ति था, कभी जीवन में दान नहीं करता था और उसके उस आदत को देख करके गांव वालों ने उसका नाम व्यंग्य में दान चंद्र रख दिया। दान नहीं करना और नाम पड़ा दान चंद्र। अब एक दिन गांव वाले रोज ताना मारते थे कि ये कभी दान नहीं करता, ये कभी दान ही नहीं करता, इसके हाथ से कभी एक रुपया, उस समय में क्या क्या बोलते ना, अठन्नी चवन्नी, ये कुछ छूटता नहीं था। और सब लोग यही बोलते थे कि ये दानचंद कभी दान ही नहीं करता, कभी नहीं करता, इससे उम्मीद करना भी बेकार है। और एक दिन पत्नी बड़ी गंभीरता से सोचती है, हमारे पति कभी दान नहीं करते, कभी तो कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार, ये दान करे। और एक दिन पत्नी ने कहा, तुमने कभी अच्छा कर्म नहीं किया, पुण्य काम नहीं किया, दान सेवा पुण्य नहीं किया, तुम एक काम करो, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, जाकर के एक बार स्नान करके आओ। इतना कंजूस था, कभी भी न गंगा स्नान करने जाता था, न कभी मंदिर, क्योंकि जाने में भी थोड़ा सा खर्चा आएगा, और वहां जाओ गंगा जी में जाओ स्नान करो तो पंडा जी आएंगे कि भाई कुछ दे दो, ये परेशानी, मंदिर जाओ तो पुजारी जी कहेंगे कुछ दान पेटी में डाल दो, कथा सुनने आए तो आरती में कुछ द्रव्य दक्षिणा। देखिए, आरती जब लेते हैं तो कुछ दक्षिणा डालने का नियम है। अभी दान चंद्र सोचता है, कथा में भी जाऊं तो वहां कम से कम 10 रुपए तो चढ़ाना ही पड़ेगा, बड़ा परेशान हुआ। अब पत्नी ने कहा, जाओ 12 किलोमीटर दूर है गंगा जी, स्नान करके आओ, पैसा नहीं लगेगा, पैदल जाओ। अब ये गया, पैदल गया तो जैसे 12 किलोमीटर, अब आज के लोग, हम लोग अगर चल दे तो थक जाते हैं, बहुत दूर होता है 12 किलोमीटर भी, लेकिन ये सवारी में गया तो फिर पैसा लगेगा, इसलिए पैदल पैदल गया, चल चल के। जैसे पहुंचा उसने देखा बहुत भीड़ गंगा जी में, लोग स्नान कर रहे हैं, पंडा जी पूजा करा करके दक्षिणा ले रहे, बहुत डर गए, अब क्या करें। अब ये दान चंद्र गया मुर्दा घाट में गया, क्योंकि वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा, मुर्दा घाट तो हमेशा खाली, क्योंकि वहां कभी कभी जब कोई अपने घर में अपना सीट खाली करे तो ही मुर्दे घाट में कोई जाता है, नहीं तो हमेशा खाली रहता है। अब ये पहुंचा मुर्दे घाट में गया, भगवान सोचे कि देखो कितना बड़ा कंजूस है, कभी एक रुपए अपने हाथ से छूटता नहीं, कैसा है, आज इसका मजा लिया जाए। अब जैसे गंगा जी में स्नान करने लगा, उसने डुबकी लगाया, जैसे बाहर निकला नहा के आया तो भगवान पंडा बन के आए, कहते हैं यजमान की जय हो। अब जैसे दानचंद्र ने देखा यहां भी पहुंच गया, पंडा जी आ गए, वो दानचंद कहता कि आप कैसे आए यहां पर, ये तो मुर्दा घाट है। तो यहां भगवान कहते, पंडा रूप में आए भगवान, बोले कि देखो मैं तो यहीं पर रहता हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं कुछ नहीं लेता ज्यादा, कभी कभी यहां भी कोई यजमान आते हैं तो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं एक साल के लिए एक ही बार ले लेता हूं। अब इसके ऊपर और ज्यादा आपत आ गया, अब क्या करें, ये तो एक साल भर के मांगने वाले हैं। अब उसने कहा कि देखो भाई, मैं तो नहीं दे सकता, वैसे तो मैं मुर्दा घाट में आकर के नहा रहा हूं, मैं कुछ दे नहीं सकता, उम्मीद मत रखो। भगवान बोले, कोई बात नहीं, 6 महीना की दे दो, साल की नहीं तो 6 महीना चला दो। अब ये बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान ने बोले, उस समय ढेला चलता था, ढेला जानते, अब मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। अब दानचंद्र ने कहा कि ठीक है, एक ढेला देने के लिए मैं
तैयार हूं। अब भगवान बोले ठीक है तो आप दीजिएगा एक धेला, अभी दो, संकल्प करो। दानचंद्र कहता नहीं नहीं अभी अभी मेरे पास में नहीं है, घर में आना उधार। उधार रख लिया, एक धेला भी उधार रख लिया। और उसके बाद में दानचंद्र ने कहा कि पंडा जी आप घर में आना। उसने सोचा कि 12 किलोमीटर दूर एक धेला को लेने कौन आएगा, उधार है ये देना नहीं पड़ेगा। बड़ा खुश हुआ वो अपने घर चला गया, चलते चलते घर पहुंचा। अब भगवान भी इसका मजा ले रहे थे। अब दानचंद अपने घर गए और अब घर जाके भोजन वगैरह कर रहे थे और भोजन करके विश्राम करने गए, सो रहे थे दानचंद। इतने में पंडा जी आए, घर ही में आए। पत्नी बाहर जाकर के देखी, पंडा जी को देखा। अब दौड़ करके पत्नी अंदर गई, पति को बताया कि पतिदेव आपने जब गंगा जी गए थे तो कुछ दान के बोला था। अब पत्नी ने पूछा, दानचंद कहते हैं कि हाँ बोला था, एक धेला के बोले थे मैंने, अब क्या करें, एक धेला देने के बोला था, जाओ जाकर के कह दो कि वो सो रहे हैं। जाकर के पत्नी ने कहा कि वो सो रहे हैं, बाद में आना। भगवान बोले ठीक है तो इंतजार करने को तैयार हूं। अब पत्नी जाकर के बोलते इंतजार कर रहा है। अब दानचंद्र ने कहा कि जाओ कह देना, अगर वो नहीं जा रहा हो तो जाकर के कह दो कि दानचंद बीमार हो गया। प्यार से बोलो, दानचंद बीमार हो गया। अब पत्नी गई जाकर के कहती हैं कि क्या करें पंडा जी, वो तो बीमार हैं, आप बाद में आना। अब भगवान बोले कि राम राम राम, मेरा यजमान बीमार है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, अब उसको ठीक करके ही जाऊंगा। वहीं बैठ गए। अब और ज्यादा संकट। अब पत्नी अंदर गई, कहने लगी पंडा जी तो बैठे हैं, कह रहे हैं यजमान बीमार है, छोड़ के जाना धर्म नहीं है, अब क्या किया जाए। तो दानचंद इतना जिद्दी था, देने के लिए इतना बच रहा था। दानचंद्र कहता है जाओ जाकर के कह दो कि दानचंद्र मर गया, मर गया कह दो। तो पत्नी गई, अब क्या करें, कैसे बोलें, अपने पति को मर गया कहना पड़ रहा है, देना भी नहीं है, अब बोलना तो पड़ेगा। अब गई झूठी झूठी रोने लगी, कहती है कि पंडा जी क्या करें, वो तो भगवान के प्यारे हो गए, बहुत बड़ा संकट मेरे जीवन में टूट पड़ा। झूठे ही रोने लगी। अब भगवान बोले राम राम राम, बहुत गलत हुआ आपके साथ में, आपके पतिदेव चले गए, अब मेरा यजमान मर गया है, उनका मृत्यु हुआ तो मैं अंतिम संस्कार करके ही जाऊं। इधर दानचंद्र अपने श्वास को रोक करके पड़ा हुआ था, सांस रोक करके पड़ा हुआ था। भगवान आए। अब जब रोने लगी, रोना तो पड़ेगा कि नहीं, रो रही है कि छोड़ के चले गए, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। गांव वाले सब आए, ये बहुत गलत हुआ, दानचंद मर गया, सब हल्ला हुआ, गांव वाले आए। अब बात ये हुआ कि अब जल्दी करो, बांध करके मुर्दे घाट में लेकर के जाएंगे जलाने के लिए। बेचारा ये श्वास रोक के पड़ा हुआ है, अब बहुत रोक करके पड़ा हुआ है। भगवान को हंसी आई, ये कितना जिद्दी है, एक पैसा के लिए, एक देला के लिए ये श्वास रोक करके इतने समय तक पड़ा है। अब उसको ले जाया गया मुर्दा घाट में, अब रख दिया, अब जलाने की तैयारी, आग लगाने की तक पहुंच गए गांव वाले हैं। यहाँ पत्नी अब सच में रोने लगी, नहीं नहीं ये मरे नहीं है, मरे नहीं है, इसको मत जलाओ मत जलाओ। गांव वाले कहते नहीं नहीं होता है, जब पतिदेव मर जाते हैं तो ये दुख तो है, आप चिंता मत करिए, अब कोई बात नहीं, हम तो हैं। अब पत्नी सच में रो रही, जिंदा है। गांव वाले कहते सब ऐसे ही कहते कि जिंदा है, अब आपके पति मर चुके हैं, अब आप
रोना है रोइए, अब ये वापस नहीं आए, अब भगवान को अब हंसी आ रही। अब जैसे आग लगने लगी, भगवान बोले मैं अपने यजमान के कान में कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। गांव वाले बोले ठीक है अब दे दो। और उसके बाद भगवान कहते हैं कान में जाकर के, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान बोले आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। दानचंद्र श्वास रोके पड़ा है, जैसे सुना बैकुंठ से आया भगवान आए, ऐसा सोचा जैसे आंख खोल के देखा फिर वही पंडा, जैसे आंख खोल के देखा फिर वही पंडा सामने खड़ा। उसने जल्दी से आंख बंद कर ली। अब भगवान भी हार गए, ऐसे ही बड़ा कंजूस भगवान हार गए। अब तो ये आग लगने वाला है, देखो अब मान जाओ स्वीकार करो, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मांग ले हूँ बरदान कछु। भगवान बोले तुम्हें ही मांग लो, हम नहीं मांगने वाले, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। तब यजमान, ये यजमान कहता है, दानचंद कहता है ढेला दीजिए छोड़, कुछ नहीं चाहिए, ये बोलो कि ढेला मुझे नहीं चाहिए, वो छोड़ दो तो मैं जिंदा होने को तैयार हूं। भगवान बोले ठीक है वो कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस तुम यहां से उठ जाओ। तो दानचंद्र उठ गए। कंजूसी की भी हद होती है, प्यार से बोलो, मस्ती में